Hello friends, in the previous lecture we studied three questions of the question B and now we are going to study the question B's or remaining questions. So let's see the question number 4. Why did the cook want the kitchen swept at once? Why did the cook want the kitchen swept at once? वो जो कुक थी वो क्यों चाहती थी कि जल्दी से जल्दी किचन में झाड़ू लगना चाहिए, क्यों? ओके, द आंसर इज बिकॉज There are crumbs all over the floor. पूरे फ्लोर पे क्रम्स थे एंड द कोल्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. कोल्स आपको मालूम है, कोलसा बोलते हैं ना मराठी में, वो गिरा था नीचे जमीन पर, फर्श पे, टाइल पे, रॉयल रेड टाइल्स पे गिरा था, वो भी साफ करना था और क्रम्स भी ऑल ओवर स्प्रेड हुए थे, तो उनको द सो कुक वांट द किचन स्वेप्ट एट वंस. नाउ फिफ्थ, व्हेन डिड फिलिपा फर्स्ट रियलाइज दैट द ब्रूम हैड मैजिकल पावर्स? वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन डिड फिलिपा फर्स्ट रियलाइज That the broom had magical powers. फिलिपा को कब ऐसे लगा, पहली बार कब ऐसे लगा कि ये जो broom है इसमें कुछ तो magical power है, कब लगा ऐसे? And the answer is when, जब she picked up new broom and began sweeping the floor, जब उसने नया झाड़ू उठाया और फ्लोर स्वीपिंग करना चालू किया. शी हैड नो सूनर बिगन देन शी हैड फिनिश्ड. जैसे ही उसने शुरुआत कर दी झाड़ू लगाने के लिए तो कुछ ही सेकंड में झाड़ू लगाना फिनिश हो गया, मतलब सब हो गया झाड़ू लगाना. देन शी रियलाइज, फिर उसको मालूम हुआ इट मस्ट हैव मैजिकल पावर, इसमें कुछ तो मैजिकल पावर्स है, क्योंकि जैसे उसने झाड़ू उठाया नया झाड़ू और स्टार्ट किया तो विद इन सेकेंड शी फिनिश्ड स्वीपिंग. देयरफॉर Philippa first realized that the broom had magical powers. Okay. Now, number 6. Philippa had a visitor the next day. आपको मालूम है ना? Philippa के घर पे एक visitor आया था next day, early in the morning. Who was she? कौन था वो? कौन थी वो? एंड वॉट डिड शी वॉन्ट? और उसको क्या चाहिए था? फिलिपा के घर पे जो विजिटर आई थी वो कौन थी और क्या चाहती थी? एंड द आंसर इज विजिटर इज द लिटल ओल्ड वुमन द विच. आपको मालूम है विजिटर कौन थी? द लिटल ओल्ड वुमन द विच. और क्या चाहती थी वो? शी वॉन्ट टू टेक रिटर्न हर मैजिकल ब्रूम. वो जो उसका झाड़ू था, मैजिकल ब्रूम था, वो अपना झाड़ू वापस चाहती थी, जो कि अभी फिलिपा मार्केट से लाई थी एक आदमी से. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, Philippa had a visitor the next day. Who was she?
एंड व्हाट डिड शी वांट. फिलिपा के घर पे नेक्स्ट डे पे एक विजिटर आई थी, वो कौन थी और वो क्या चाहती थी. एंड द आंसर इज विजिटर इज द लिटिल ओल्ड वुमन इन ब्रैकेट द विच. वो जो विजिटर थी वो लिटिल ओल्ड वुमन थी एंड शी वांट टू टेक रिटर्न हर मैजिकल रूम. और वो अपना मैजिकल रूम जो था वो वापस चाहती थी. नाउ सेवेंथ, हाउ डिड द ब्रूम गेट रीड ऑफ द विजिटर. हाउ डिड द ब्रूम गेट रीड ऑफ द विजिटर. रीड मतलब अनिष्ट गोष्टीपासून सुटका होणे, मतलब गलत थिंग से बच के रहना. तो वो विजिटर से कैसे बची, कौन, झाड़ू. हाउ डिड द ब्रूम गेट रीड ऑफ द विजिटर. झाड़ू उस विजिटर से मतलब लिटिल ओल्ड लेडी से कैसे बची, विच से कैसे बची, विच चेटकिन से कैसे बची. द आंसर इज द ब्रूम शुक ऑल ओवर विथ रेज. ब्रूम ने पहले क्या किया, खुद को ऐसे ऐसे हिलाया ऐसे, और खुद ऐसे हिला एंड सेज गो अवे एट वंस. तो अभी के अभी जा और नहीं तो आई विल स्वीप यू आउट. मैं तो तुझको झाड़ू लगा के ऐसे बाहर कर दूंगा, ऐसे झाड़ू बोलने लगा था ना. एंड एट लास्ट, एंड लास्ट को द ब्रूम बिगैन स्वीपिंग एज हार्ड एज. और ब्रूम ने जितनी उसके पास ताकत थी, एज हार्ड एज, उतनी ताकत से उसको स्वीप कर दिया. इट कुड गो एंड द ओल्ड वुमन रन अवे. और उसने झाड़ू लगाते लगे तो उसको बाहर कॉरिडोर के बाहर कर दिया, कोर्टयार्ड से बाहर कर दिया और वो ओल्ड वुमन भाग गई. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, हाउ डिड द ब्रूम गेट रीड ऑफ द विजिटर. विजिटर से ब्रूम ने कैसे मुक्ति पाई, तो द ब्रूम शुक ऑल ओवर विथ रेज. ब्रूम ऐसे एंगर से ऐसे हिला एंड सेज गो अवे एट वंस. और उस लेडी को बोला गो अवे एट वंस, अभी के अभी जा और आई विल स्वीप यू आउट, नहीं तो मैं तुझको स्वीप करके बाहर निकालूंगी. एंड एट लास्ट, और लास्ट को द ब्रूम बिगेन स्वीपिंग एज हार्ड एज इट कुड गो. और जितना हो सकता है उतनी ताकत से उसने उस लेडी को स्वीप किया, झाड़ू से मारना चालू किया. एंड द ओल्ड वुमन रन अवे. एंड उस समय वो जो ओल्ड वुमन थी वो भाग गई. सो इन दिस वे वी स्टडीड क्वेश्चन बी. स्टूडेंट्स यू शुड राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर नोटबुक एंड सेंड मी द फोटोकॉपी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, डोंट फॉरगेट टू सेंड क्वेश्चन आंसर्स फोटोकॉपी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू.